अपने लोगों का सबसे पहले थर्ड सेमेस्टर के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं कि व्हाट डज थर्ड सेमेस्टर कंप्राइज ऑफ। थर्ड सेमेस्टर इज बेसिकली वन पेपर ऑफ अकाउंटेंसी जो आपका चालू हो रहा है अभी, उसके अलावा यू हैव वन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फ्यू चैप्टर्स लाइक इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, ये सब जो सेमेस्टर वन में नहीं था, ऑफ स्टैटिस्टिक्स अलॉन्ग विथ मैथमेटिक्स, एपी जीपी, ये सब सारा चैप्टर्स आ गया। बड़ा सिलेबस है, 100 मार्क के लिए बड़ा सिलेबस है। वन पेपर इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये पेपर पहले थर्ड ईयर में हुआ करता था, अब ये थर्ड सेमेस्टर में आ गया है, पर दोनों पेपर अंतर है। मतलब ये इसलिए बोल दे रहा हूँ कि आपके घर में कोई अगर बिग ब्रदर, कोई बिग सिस्टर जो थर्ड ईयर में ऑलरेडी हो या जा चुका हो, उनके नोट्स को पढ़ के ये वाला आईएफएस मत पढ़ लेना। अंदर का मैटर चेंज हो गया है, अंदर का मैटर सेम नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर नंबर वन सेम है, बाकी उनका पूरा सिलेबस अलग, तुम्हारा पूरा सिलेबस अलग। इसलिए डोंट इवन थिंक ऑफ शेयरिंग देयर नोट्स एंड देयर नॉलेज, उनका नॉलेज उनके साथ तक था, आपके वाले में नहीं है। तो ये 100-100 नंबर के आपके सारे पेपर हो गए, और एक पेपर आपका आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेटा सिस्टम्स, ये आईटी पेपर जिसका बोलते। तो ये आपका बेसिकली ग्रुप है। अपने लोगों का हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर्स है, सारा जो प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं जैसे खुद ये पढ़ाऊंगा, ये गुलाब सर आपको पढ़ाएंगे, इस बार हम थ्योरी भी आपका एफएस स्टार्ट करवा दे रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर लॉ करवाए थे। तो थ्योरी आप लोगों ने जब पढ़ा, ट्यूशन लेते हैं, कहीं भी लेते हैं, तो थ्योरी इज लाइक कि जब एक टीचर से, पर्सन से आप डील कर लेते हो ना, तो वो उस चीज को ऑलरेडी समराइज करके आपको एक उसका कंसेप्ट दे देता है, तो उससे याद करने का एफर्ट अपने आप में कम हो जाता है। हम जिस चीज को 10 घंटे में याद करेंगे, वो बंदा हमको ऑलरेडी 2 घंटा बोल चुका है, तो मेरी लर्निंग एफर्ट 10 घंटे की चीज 1.5 घंटे से 2 घंटा मैक्सिमम खत्म हो जाती है। तो उसका पर्पस सिर्फ इतना ही है। हर एक टीचर का पर्पस आपको राह दिखाना है, चलना आपको खुद ही पड़ेगा बेटा। मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं आपके साथ कुछ दूर तक जाऊंगा, बट एंड जर्नी आपने तय कर ली है। तो इसलिए ये 3 पेपर आपके कवर्ड हो रहे हैं, ये सेल्फ है, ये आपको खुद पढ़ लेना है। अकाउंट्स का पेपर जो आपका है, उसमें कुछ लिखने नहीं बोल रहा हूँ। जो चैप्टर्स कवर हो रहे हैं वो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग, हायर परचेज अकाउंटिंग, ब्रांच डिपार्टमेंट हायर परचेज, 3 बड़े चैप्टर से, 10-10 नंबर के चैप्टर से। और ये पेपर वैसे 80 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट से, यानी कॉलेज में प्रोजेक्ट वर्क या अटेंडेंस के ऊपर मार्क्स से जो भी बेसिस पे मिलेगा, वो 20 मार्क्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में है। हमारा तो 80 मार्क का ही पेपर है। तो ये 10-10 नंबर का पेपर हो गया। उसके अलावा पार्टनरशिप पूरा का पूरा, मतलब फ्रॉम ए टू जेड पार्टनरशिप का, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जितना भी तुमने आज तक सुना है और जो नहीं भी सुना है, क्योंकि 11-12 में अगर आप आईएससी से थे या आप सीबीएसई से थे तो आपने क्या क्या सुना होगा, मैं नाम बोलता हूँ। पीएल अप्रोप्रिएशन, जो बेसिक पार्टनरशिप चालू हुआ है, यहाँ पे सब कुछ है। इनफैक्ट जो भी मैं बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके अंदर में गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके बाद में रिवैल्यूएशन, ये सब का पूरा कॉन्सेप्ट्स, उसके अलावा जॉइंट लाइफ पॉलिसी, रिटायरमेंट, डेथ, सबका सुना हुआ नाम। वेस्ट बंगाल बोर्ड में कुछ नाम कम पढ़ते हैं लोग, बाकी आईसी सीबीएसई थोड़े ज्यादा पढ़ते हैं। तो रिटायरमेंट डेथ भी है, एडमिशन कम रिटायरमेंट, एक कंबाइंड टॉपिक होती है, एडमिशन कम रिटायरमेंट वो भी है। डेथ ऑफ पार्टनर के बाद कोई भी बोर्ड के अंदर में क्लास 12 तक सिलेबस खत्म हो जाता है, उसके आगे नहीं जाता। उसके बाद यहाँ फिर आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो भी कुछ लोगों का फिर भी पढ़ा हुआ होता है, लेकिन वो एक हद तक पढ़ा हुआ होता है, यहाँ हम थोड़ी और बातें करते हैं एक्स्ट्रा। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, जो किसी का भी नहीं सुना हुआ होता है, पढ़ा हुआ नहीं होता है। अमालगमेशन ऑफ फर्म्स, कन्वर्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ लिमिटेड कंपनी, ये पहले पार्टनरशिप फर्स्ट ईयर में थोड़ा होता था, सेकेंड ईयर में थोड़ा होता था, जैसे प्रसाद होते हैं ना, प्रसाद की तरह बांटा हुआ होता था, तो थर्ड ईयर में 2 चैप्टर होते थे शगुन के तौर पर। अब उन लोगों ने ये अच्छा डिसिप्लिन किया कि पूरा पार्टनरशिप एक घर में डाल दिया। सिलेबस वाइज उन्होंने नाम दे दिया पार्टनरशिप 1,
पार्टनरशिप टू, मैं इस डिटेल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये अभी जानना जरूरी नहीं है। इसका 15 नंबर का ग्रुप कर दिया, इसका एक 15 नंबर का ग्रुप कर दिया, मतलब ग्रैंड टोटल सबसे ज्यादा नंबर 30 नंबर इसी को मिल गए, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप को देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर में अपने आप में 8-9 चैप्टर समाए गए। अगर हम लोग पी एल आर प्रो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऐसे गिने तो 8 चैप्टर इसके अंदर समाए हुए इस अकेले वर्ड के अंदर में। तो ये हो गया आपका, कितने मार्क कवर हो गए बेटा अभी तक स्क्रीन पर? 60 मार्क्स कवर हो गए। फिर एक चैप्टर आपका कवर किया गया इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, 10 नंबर के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। अब कितने कवर हो गए साहब? 70। और जो बचा हुआ 10 नंबर का पेपर है उसमें मैंने जो पार्टनरशिप का एक नाम आपको बोला, कन्वर्शन इनटू अ लिमिटेड कंपनी, ये सब नाम अभी याद मत करो, ये भी कोशिश मत करो कि आप ये नाम समझ भी रहे हो मत समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो आपको सिर्फ एक आइडिया पिक्चर बता रहे कि क्या है भाई हमारे सिलेबस में। और इसके साथ एक चैप्टर है, क्या वर्ड लिखे बेटा अपने? कन्वर्शन, कन्वर्शन इनटू अ लिमिटेड कंपनी। और इसके साथ एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये सब कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से आसपास घूमता फिरता चैप्टर्स है, पर वो पार्टनरशिप के अंदर कवर नहीं किया गया, वो अलग से 10 नंबर का कवर किया गया है। तो इस तरह आपका सिलेबस डिवाइडेड है। दिखने में आपको लग रहा होगा सर चैप्टर्स तो कमी है, काउंटिंग वाइज 1, 2, 3, ये 4 पकड़ लो, ये 5 पकड़ लो, ये 6, ये 7, ये 8, पर ये सिर्फ दिखने में बेटा कम कम लग रहे हैं। पार्टनरशिप में घुसेंगे तो लगेगा इंडियन ओशन में समा गए हैं, सबमरीन लेकर भी वापस आ नहीं पाओगे, इसलिए उसको हम लोग बाद में पिकअप करेंगे, क्योंकि जो आप जानते हैं वो पढ़ाकर मजा नहीं आएगा। पहले जिन चैप्टर का हमने नाम भी नहीं सुना, उनकी तारीफ भी नहीं जानते हैं, हम लोग उससे बातचीत करेंगे तो हमारा सिलेबस आगे चलेगा। क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना, ब्रांच, डिपार्टमेंट, हायर परचेज, ये लोगों ने हवा बना दिया। हवा कौन बनाता है साहब? हमारे सीनियर्स, वो सीनियर कोई भी हो सकते हैं, उनके पास काम धाम तो है नहीं बेटा, उनका तो टाइम निकल नहीं गया, अब वो बैठकर फालतूगिरी कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत हार्ड बेटा, तुमको समझ में एकदम नहीं आएगा, और उनको कभी खुद आया था कि नहीं था पता नहीं, तुमको पहले बोल देंगे नहीं आएगा, तुम आधे तो वहीं खत्म हो गए। अच्छा ये तो बोल दिए डिक्लेयर्ड वॉर है, तो आएगा नहीं समझ में। और हमें ह्यूमन बींग्स की बेस्ट एटीट्यूड क्या है बेटा, कोई हमें किसी चीज के बारे में अच्छा बताता है ना तो हम लोग तर्क वितर्क करते हैं कि अच्छा ये अच्छा क्यों, ये ऐसा क्यों है, लेकिन कोई हमें किसी चीज को बुरा बताता है ना तुरंत मान लेते हैं। जैसे किसी दोस्त ने हमको बोला कि यार ये तेरे बारे में बुराई कर रहा था, हाँ कर रहा हूँ, हम जानते हैं इसको बुराई कर सकता है, तुरंत उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म कर लेंगे, लेकिन बोलेगा वो तेरे बारे में कितना अच्छा बोला था, अच्छा मजा ले रहे मेरे बारे में अच्छा बोल नहीं सकता, हम तो अच्छे ही नहीं, क्यों बोलेगा वो मेरे बारे में। तो दिस इज द एटीट्यूड कि आप किसी भी चैप्टर को अपने ऊपर हावी क्यों होने देते हो, वो हार्ड है कि इजी, उसकी एक ही परिभाषा जो मैं आपको हर साल बोलता हूँ, जो चीज आए वो इजी, जो ना आए वो कोशिश करने के पहले जो हार मान जाते हैं बेटा वो खिलाड़ी नहीं होते। हम तो सब जब तक जीतेंगे नहीं तब तक गेम खेलते रहेंगे, फोन पे खेलते एक लाइफ, दो लाइफ, तीन लाइफ, लेवल पार नहीं हो, फिर से कुछ घंटे बाद एक लाइफ, दो लाइफ, तीन लाइफ, जब तक जीते तुम्हारी लेवल पार नहीं हो खेलते जाओगे, तो यहां से करो ना पढ़ाई में। क्यों समझ में नहीं आएगा साहब, अकाउंट्स की दुनिया ही छोटी सी है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, सिर्फ दो शब्द में खेलना है, मैथ्स की तरह लॉग, एंटी लॉग, इंडिसेस, सर्ट्स, ये वो, ज्योमेट्री, कोमेट्री, कुछ नहीं, दो शब्द की दुनिया है, छोटी सी दुनिया है। सो बिफोर इवन बिगनिंग एनीथिंग मैं एक बेसिक बात आपको रिवाइज करा दूं। आप लोग अकाउंट्स को गोल्डन रूल से पढ़ते आ रहे हैं और भगवान करे जीवन भर आप पढ़ते रहे गोल्डन रूल्स के भरोसे, पर गोल्डन रूल्स इज लाइक किसी अपाहिज आदमी का बैसाखी है, जिसके समझो बॉडी के दोनों लेग्स आर नॉट वर्किंग, उसका एक बैसाखी का सहारा है गोल्डन रूल्स और दूसरा बैसाखी का सहारा है अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा सिस्टम बेटा? अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हमने सेमेस्टर वन में आपको बताया था, फिर बताऊंगा, हर बार बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, फोर्थ में बताऊंगा, फिफ्थ, मेरा तो काम है बोलते रहना, तुम्हारा काम है बोलते रहना। वो फोन है तुम्हारा बेटा, उसको अंदर हमको अच्छा लग रहा है, उठा लेंगे। सो गोल्डन रूल्स नहीं लिखूंगा स्क्रीन पर, वो आपको आता है रियल पर्सनल नॉमिनल।
रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स इनकेस। इसमें बेस्ट वर्ड है नॉमिनल, मतलब गोल्डन रूल्स पे से नॉमिनल वाला रूल जीवन भर याद रखो, और बाकी सबके लिए अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करनी चाहिए। अब आलस त्याग कर लिखना स्टार्ट करेंगे, नींद से जाग जाएंगे बच्चे लोग, कॉपी पेन लाए हैं तो निकालेंगे, नहीं तो दोस्त से उधार मांगेंगे, मेरे डेस्क पर नहीं लिखेंगे। लेकिन बेटा बच्चे ऐसे, बेटा कुछ बच्चे डेस्क भी घर ले जाना चाहते हैं, उस पे अपनी प्रेम की दास्तान लिख लेते हैं। अरे भाई इस पे क्यों लिख रहे हो? अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अकेला ये भी ठीक नहीं है बेटा, अकेला गोल्ड रूल भी ठीक नहीं है, दोनों मिलकर के साथ चलेंगे तो फिर अपने बहुत अच्छी बहुत लंबी रेस के घोड़े की तरह दौड़ेंगे। और ये मैं जो भी बोलूंगा ये सब आपको आता है, ऐसा नहीं आता नहीं है, बट कैसे आता है वो इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व करिएगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का, लिखेगा मत बेटा, ऑब्जर्व करिएगा। असेट और एक्सपेंस एक ग्रुप, इनकम और लायबिलिटी दूसरा ग्रुप, करेक्ट। क्यों इन दोनों के ग्रुप बना दिए, उसका रीजन तो कुछ होगा ही। असेट का जनरल बैलेंस क्या होता है? अकाउंट्स की दुनिया दो ही वर्ड पर टिकी बेटा, दो ही पिलर है, डेबिट और क्रेडिट। तो मैं पूछ रहा हूं, जो डेबिट क्रेडिट सुनना आपसे, असेट का बैलेंस क्या होता है? एक्सपेंस का बैलेंस भी डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होती है, नॉमिनल अकाउंट इस जगह नॉमिनल अकाउंट, और लायबिलिटी भी क्रेडिट होती है। तो ये इसका जनरल बैलेंस है। अकाउंट्स में जिस तरह डेबिट क्रेडिट होता है, मैथ्स की दुनिया में प्लस और माइनस होता है, वहां पे तो इनटू भी होता है, डिवाइड भी होता है, परसेंट भी होता है, रूट भी होता है, स्क्वायर रूट भी होता है, पावर भी होता है, यहाँ कुछ नहीं होता, दो ही वर्ड होते हैं। तो ऐड और लेस, इंक्रीज डिक्रीज, जो भी भाषा तुमको समझ नहीं है, ये अब ये चार्ट बना लो, स्ट्रक्चर तैयार कर लो, फिर मैं बोलूंगा। स्केल पेंसिल मत यूज करना बेटा, पेंसिल का नोक टूट जाएगा, बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो आप प्लीज छोटे छोटे आदतें छोड़े, फ्री हैंड करना सीखे। लिखते समय एक रिक्वेस्ट बेटा, मन में दोहराते रहना, मन में बोलते रहना, बोलने से लर्निंग कैपेबिलिटी डबल होती है, लिखना इज एडिंग इट, देखना और बोलना आप एक साथ अपनी फिजिकल एबिलिटीज थ्राइस यूज कर रहे हो, देख भी रहे हो, ब्रेन को सिग्नल मिलता है, सोचिएगा नॉर्मल फिजिक्स, देखने से ब्रेन को सिग्नल जाता है क्योंकि आप जो देख रहे हो ब्रेन भी देख रहा है, तभी आपको बताता है अच्छा आप क्या देख रहे हो। बोलने के लिए भी आपको ब्रेन को सिग्नल देना पड़ता है, लिखने के लिए भी ब्रेन को सिग्नल देना पड़ता है, तो आप तीन बार ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो एक बात को लिखने के लिए। असेट हैज अ डेबिट बैलेंस, बोले मेरे साथ बेटा, असेट हैज अ डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस उसके साथ है, वो बोलना नहीं समझा है, लायबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस, सब यहां तक लिख चुके हैं, अब बोलना। अगर कोई भी चीज डेबिट है, अब भूल जाओ असेट असेट को, कोई भी चीज अगर डेबिट है, उस डेबिट को अगर मुझे इंक्रीज करना है, कोई भी चीज डेबिट है उससे मुझे इंक्रीज करना है, तो उसे इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे और डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट में कुछ नया नहीं बोल रहा हूं, सब आप सबका सुना हुआ है, पर ये परफेक्शन होना चाहिए इसमें। किसी भी डेबिट को अगर डिक्रीज करना है तो मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। लिखते चले बेटा, तो शॉर्ट हैंड है, फटाफट लिखते चले, कंप्लीट दिस लाइन बेटा। क्रेडिट को इंक्रीज अगर करना है तो उसे क्रेडिट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे और क्रेडिट करना पड़ेगा, और डिक्रीज करने के लिए उसे डेबिट करना पड़ेगा। जब जर्नल एंट्रीज करनी होगी, अच्छा जर्नल एंट्री से याद आया, अकाउंट्स में जर्नल एंट्री का क्या महत्व है? व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल एंट्री?
परसेंट बात करते हैं, 10% ओके सर जानना ठीक है, 20%, 30%, 5% क्या आपके हिसाब से? ऐसी 90, ऑलमोस्ट 100 भी बोल सकते हो आप। अकाउंट्स जर्नल से शुरू था, जर्नल पे खत्म है। बस वो 11-12 के बीच का एक दौर आता है ना, जब जर्नल नहीं आता तो हम खुश हो जाते हैं, वाह जर्नल खत्म हो गया, आज के बाद जर्नल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बेटा उसी का मुंह देखना पड़ेगा जीवन भर, उससे तुम्हारी सगाई और शादी दोनों चुकी है। उसको जितनी जल्दी अपना लोगे उतना सुखी जीवन व्यतीत करोगे, वरना तुम जानते हो घर में क्या हो रहा सकते। समझे, प्यारता है वो आपका, लव इट, रिस्पेक्ट इट, आई लव जर्नल। रोज सुबह के बोलो आई लव जर्नल, आई नो जर्नल, चोर से मत बोलो, मम्मी कुछ और लव तक सुनी और जर्नल नहीं सुनी तो पापा मुझे चिंता हो जाएगी। बेटा सब मन में बोलने वाली बात है। और अगेन आपको जर्नल आता है नहीं आता है, आपसे जर्नल बनता है नहीं बनता है, ये मैं नहीं पूछूंगा कि मुझे पता आपको नहीं आता है, पूछ के फायदा नहीं है। कोई पूछ के फायदा नहीं, क्योंकि आपको क्या लगता है जर्नल किसको बोलते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जो परचेज सेल ये सब होती है। अभी मैं एक एंट्री पूछ लेता हूं आपका भ्रम दूर करने के लिए, छोड़ो पूछूंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपको आता है कि नहीं आता है। पहले मैं ये बात प्रूफ कर दूं। मेरे साथ साथ बोले बेटा, जब जर्नल करना हो तो सोचने का रिदम ये होना चाहिए, डेबिट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करते हैं, डेबिट को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं और क्रेडिट को डिक्रीज करने के लिए डेबिट करते हैं। ये रोज सुबह शाम दो बार आपको करके बोलना है, उठने के बाद दो बार और रात में सोने के पहले दो बार। इट्स लाइक अकाउंट्स का गायत्री मंत्र बेटा। लिखो बेटा, ये क्या बात हुई, हमारे नोट से हमारे लिहाज से लिखो, मेरे लिए लिख लो, इससे तुम्हें मुझे याद करने में अच्छी रहेगी। जैसे देखो कि मेरे बारे में तुम्हारे बारे में मुस्की है, मेरे वास सर ने क्या लिखवाया है, इस रियली गायत्री मंत्र, यू हैव टू से इट। अब कोई अच्छा प्रकांड पंडित होगा ना तो क्या बोलेगा, तो सर गायत्री मंत्र सुबह बोलते हैं रात में नहीं बोलते। प्लीज बेटा कम ऑन, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचना। तुम्हारी तो रात भी सुबह ही होती है, सोते कहा, SMS की दुनिया में और किसी और दुनिया मस्त रहते हैं। बोले जर्नल करने के लिए डेबिट को बढ़ाना हो तो डेबिट, अब डेबिट को बढ़ाना हो धीरे धीरे ऐसे सोचना, असेट और एक्सपेंस अगर कोई लेजर में आया तो मेरी सोच क्या होगी, असेट बढ़ाना है, ये मन में समाया हुआ, ये बोलना नहीं है, असेट बढ़ाना है तो इसका मतलब उसे डेबिट करो, असेट घटाना है तो उसे क्रेडिट करो, ये धीरे धीरे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लायबिलिटी बढ़ानी है उसे क्रेडिट करो, लायबिलिटी घटानी है तो उसे डेबिट करो। अब मैं पूछता हूं, तुम सिर्फ लास्ट वर्ड बोलोगे डेबिट क्रेडिट, असेट को घटाना है तो, असेट को बढ़ाना है तो, लायबिलिटी को घटाना है तो, लायबिलिटी को बढ़ाना है तो, लास्ट बात लायबिलिटी को बढ़ाना है तो। मैं बस ट्राई मार रहा था और तुम फंस भी गए। रट कर आंसर मत दो बेटा, पहले सुन लो उसके बाद जवाब दो, सही दो। ये हो गया जर्नल के समय। यही चार्ट अगर आप जर्नल बना चुके हैं और बाद में सामने आपको बोला बैलेंस शीट बनाओ, तो बैलेंस शीट बनाते समय आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर एक असेट जो पहले से डेबिट था किसी एंट्री में वो और डेबिट हुआ है तो इसका मतलब वो क्या हुआ है, इंक्रीज यानी ऐड हुआ है। तो बैलेंस शीट के समय आई नीड वैल्यूएशंस, प्लस हुआ कि माइनस हुआ, तो मेरी सोच ऐसी होगी कि असेट डेबिट हुआ है तो बढ़ा है, असेट क्रेडिट हुआ है तो, धीरे धीरे ये जनरल बैलेंस मेरे मन में समाया होना चाहिए। इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस बैलेंस, पता है, बोलने की दरकार नहीं है। जैसे प्रेम से बोलो ये तुम्हारे मुंह से निकलवाया नहीं मैंने, अपने आप निकल गया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अंदर समाया हुआ है कि प्रेम से बोलो के बाद जय हनुमान जी नहीं होता है, जय शीतला माता नहीं होती है, जय माता दी होती है। ये एक सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन। अगर तुम बोलते रहोगे तो नींद में भी गड़बड़ाओगे। डेबिट के साथ डेबिट प्लस होता है, डेबिट के साथ क्रेडिट माइनस होता है। अब मैं इस लाइन को और सिंपल वर्ड में लिखता हूं, #1, #1 इज लाइक नोट्स 1, नोट्स 2, A1 जैसे कुछ। तो #1, आजकल #1 का जमाना है ना, #morning, #smiles, #coffee, #garden, कुछ भी ऐसा ऐसा लिखते हैं, तो #1 जमाने के साथ रहना पड़ेगा। क्या
क्या क्या लिखते हैं बच्चे, हमको तो पल्ले नहीं पड़ते हैं, कैसी कैसी बातें लिख देते हैं। एक बार में लिख दो, हमने उठ के सुबह कॉफी पी अपने बागीचे में बैठ करके ना, 20 तो हैशटैग लगा, आदमी हैशटैग में खो जाता, कहाँ पे बैठा वो बंदा। कई लोग तो उठते ही एक फोटो लेने के लिए अपना, वरना तो उठे ही नहीं कभी। हम भी एक दिन देखते सुबह उठ के अपना सेल्फी लेने को तैयार। देख मैं वर्ड को और समा रहा हूं, कम कर रहा हूं, सुनना पहले। सेम साइंस आर एडेड, ऑपोजिट साइंस आर सब्ट्रैक्टेड। सेम साइन किसको बोलेंगे हम लोग, डेबिट क्रेडिट पे बात करते हैं। सेम साइंस लिखना बेटा, आर एडेड, इसमें हम लोग किस किस की बात कर रहे हैं, कौन सा सेम साइन हुआ, डेबिट एंड डेबिट और क्रेडिट एंड। तो जहां भी जो डेबिट दिखाई दे वो आपस में प्लस हो रहा है, दो क्रेडिट भी आपस में प्लस हो रहा है। ऑपोजिट साइंस आर सब्ट्रैक्टेड, सिंबल में लिख देते हैं, जल्दी लिखा जाता है। हमेशा लिखना स्मार्ट होना चाहिए बेटा, आपके एसएमएस की तरह कम वर्ड्स में एक्सप्रेशन हो जाना चाहिए क्लास नोट्स में। ऑपोजिट साइंस आर सब्ट्रैक्टेड, एग्जाम्स में शॉर्ट फॉर्म नहीं चलता याद रखना, एग्जाम्स में नो शॉर्ट फॉर्म, क्लास नोट्स तक सिर्फ। कई लोग एग्जाम में भी लिख के आते हैं, फिर टीचर नंबर भी उनको शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में देते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट, और दूसरा रिलेशन क्रेडिट एंड डेबिट। तो मैंने चार वर्ड को दो में सबमिट दिया भाई साहब, दो सेंटेंस में, कि सेम साइन ऐड होते हैं, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। अकाउंट्स की साइन की दुनिया दो ही है साहब, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सेम साइन ऐड, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, डेबिट के साथ डेबिट ऐड, क्रेडिट के साथ क्रेडिट ऐड। दोनों तरफ से पढ़ना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट जब भी आपस में सामने हो आपस में माइनस हो रहा है। असेट अगर कभी भी बढ़ाना हो तो फर्स्ट आंसर, घटाना हो तो असेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है तो उसको बढ़ाने के लिए डेबिट, घटाने के लिए क्रेडिट। ये अमेरिकन सिस्टम आपका वो दूसरा सहारा बेटा, जिसके साथ मिलकर आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। बाकी अकाउंटिंग आपको बेसिक्स आती है अलॉन्ग विद द गोल्डन रूल्स। एंट्री की बात मैं पूछ रहा था आपसे, पूछ रहा था प्रोविजंस फॉर बैड डेट ऑन डेटर। डेटर मान लो 50,000 का है और पीबीडीटी 10% है, अमाउंट मैं निकाल के दे दे रहा हूँ, 50,000 का 10% 5,000 प्रोविजंस फॉर बैड डेट आपने बनाया ऑन द डेटर्स एट द रेट 10%। जर्नल एंट्री और कुछ, कुछ और पीएल और कुछ, कुछ भी और मन में आ रहा है? बोलिए, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे? ए के साथ यानी वन के साथ, गलत जवाब। 50-50 लाइफ लाइन का इस्तेमाल आप करना चाहेंगे? ऑडियंस को यूज कर लिया, फोन अफ्रेंड, मैं फोन अफ्रेंड, अपने आप पर फोन कर लिया, जवाब तुम्हारे स्क्रीन पर है। पीएल अकाउंट डेबिट टू पीबीडीटी, देखिए कॉन्फिडेंट वाइज पीएल टू पीबीडीटी मात्र 5% बच्चों ने बोला, बाकी लोगों ने कॉन्फिडेंटली नहीं बोला, मतलब रॉन्ग बोला। और बाकी 80-85% की तो बात ही नहीं करेंगे, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं साहब, वो तो नेता है, जिस ओर देश चलेगा हम चले चलेंगे। तो आपको सिर्फ ये भ्रम है, आपको जनरल अच्छे से आता है, और जनरल अगर अच्छे से नहीं आता तो बेटा अकाउंट्स ही नहीं आता है। अकाउंट्स का सोल है जनरल, उसके बिना अकाउंट्स खोखला है, कोई फायदा नहीं है। और हर एक एंट्री के पीछे रीजंस होता है, रीजंस को मैं आपको हर बार गोल्डन रूल से नहीं समझा सकता हूं, इसीलिए गोल्डन रूल्स के बैसाखी का सहारा है अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक लाइन बोलकर इसको ओवर करता हूं, क्योंकि ये मुद्दा मेरा आज का नहीं है, ये जब समय आएगा तो हम लोग बात करेंगे। आई कांट डिस्कस जनरल एट दिस लेवल। दुनिया में किसी भी प्रोविजन को बनाने की एंट्री होती है,
दुनिया में किसी भी प्रोविजन को बनाने की एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस। अब उसके आगे क्या लिखा हुआ है वो खाली कॉपी पेस्ट कर दो। दुनिया में सारे प्रोविजन की एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू एग्जाम्पल वन प्रोविजन फॉर बैड डेट, एग्जाम्पल टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एग्जाम्पल थ्री प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, एग्जाम्पल फोर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। जितना तुम्हारे लाइफ में नाम तुम्हें पता चिपका दो, पर एंट्री एक ही होगी। एंट्री पढ़ने में स्मार्टनेस होनी चाहिए बेटा, और जिस दिन वो स्मार्टनेस आ जाएगी ना, आप खाली डेबिट क्रेडिट के मोहताज नहीं रहेंगे साहब। प्रोविजंस प्रॉफिट से निकल कर इट्स लाइक एक बड़ा केक घर में आया है, हमने काट के केक को फ्रिज में रख दिया कि रात में जब सब मेहमान चले जाएंगे चुपचाप खाएंगे शांति से, अभी तो खा नहीं पाएंगे। तो हमने बहुत सारा पैसा कमाया पीएल में प्रॉफिट, उसमें से केक यानी प्रोविजन निकाल के फ्यूचर के लिए रख दिया कि कल को कोई बुरा मेरे साथ हुआ घटना तो मैं उससे इसको मीट कर सकूंगा। जैसे आप अपने बर्थडे के लिए पैसा सेव करते हो, या कोई बहुत मुनासिब दिन आ रहा है आपके जीवन में फरवरी मंथ में, उसके लिए आप सेव करते हो, कुछ भी। मम्मी पापा का बर्थडे आता है फरवरी में किसी का, तो वैसे तो उस हिसाब से जो आप सेविंग करते हो, गुल्लक का पैसा, इस प्रोविजन का पैसा। अगेन एज आई सेड, दिस इज नॉट द स्पॉट जहां पे हम आपको जर्नल बता सकते हैं, लेकिन जर्नल इज द जर्नी। वो हर चैप्टर के अंदर जब मैं जाऊंगा तो उस चैप्टर का जर्नल उतनी डिटेल से बताऊंगा। 11 12 तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं सब, तो वो जर्नल तो नहीं बता सकता हूं। आर वी क्लियर बेटा?